कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है, इतनी परफेक्शन अगर लाइफ के अंदर हो तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह परफेक्ट हो जाए तो किसी भी एम या टारगेट या गोल को जो है ले सकता है। मनोरंजन मेले में आपका स्वागत है। फिलहाल जींद के अंदर आप देख रहे हैं मनोरंजन मेला लगा हुआ है और डॉक्टर सीएमओ साहब जींद के आज इस मेले में मनोरंजन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जींद के पुराना बस स्टैंड पे फिलहाल ये मनोरंजन मेला लगाया गया है और कई दिनों तक अभी ये चलेगा और देख सकते हैं आप शहर के लोग हैं जो शाम को मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं। झूले हैं, लाइटें हैं, सर्कस जैसी आइटमें भी यहाँ पर हैं। खरीदने के लिए काफ़ी बाजार भी इसके अंदर लगाया गया है। जो सीएमओ साहब हैं डॉक्टर साहब अभी वो मनोरंजन कर रहे हैं इस मेले का और आप देख सकते हैं कि ऊँट के ऊपर बैठकर जो है सवारी कर रहे हैं, इस मेले का आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम ही मनोरंजन मेला है। और यहाँ एक ऐसी खतरनाक जो सर्कसों में आप देखते हैं मौत का कुआं, आपने नाम सुना होगा, जी हाँ मौत का कुआं, उसके अंदर ये बाइक कैसे चलती है, इस कुएं के अंदर बाइक आपने फिल्मों में देखा हुआ, लेकिन अगर जींद में आप आएंगे तो यहाँ इस मनोरंजन मेले में एक ऐसी सर्कस जैसी एक खेल है, सर्कस जैसी एक आइटम है जिसको आप देखेंगे तो आप खुद भी डरने लग जाएंगे। एक साथ दो बाइक किस प्रकार स्पीड में चल रही है अभी आप देखेंगे इनमें कि ये हाथ छोड़कर भी जो है बाइक चला रहे हैं इस मेले इस कुएं के अंदर इतनी फास्ट, जिसका नाम ही मौत का कुआं रखा गया है। जो दर्शक देख रहे हैं आप तस्वीरों में, इनको भी डर लगने लग जाता है अगर आप आएंगे यहाँ पर और आप देखेंगे इस मौत के कुएं के अंदर किस प्रकार से जो है बाइक चलाई जाती है इतनी स्पीड में। और इसके बाद देखते हैं हम इन जो बाइक चलाने वाले हैं ये रेसलर हैं, जो इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या इनको डर नहीं लगता। जो देखने वाले हैं उनको इतना डर लगता है दो दो बाइकें और हाथ छोड़ करके कुएं के अंदर किस प्रकार से बाइक चल सकती है। ये छोटा सा ही कुआं है और इसके अंदर दो बाइक एक साथ इतनी स्पीड में चल रही हैं और टेढ़ी टेढ़ी बाइकें हैं, आप देख सकते हैं पब्लिक बिल्कुल डर जाती है। दर्शक जितने भी देखने वाले आए हैं बहुत ज़्यादा उनको डर लगने लग जाता है। मौत का कुआं इस मनोरंजन मेले के अंदर आप पूरे मेले का आप मनोरंजन करिएगा और साथ में देख सकते हैं ये गाड़ी भी अभी कुएं के अंदर इसी प्रकार से जो बाइक चल रही है इनके साथ साथ अभी ये गाड़ी भी चलेगी। कभी गाड़ी अंदर होगी, कभी गाड़ी आगे होगी, कभी बाइक आगे होगी, इस प्रकार स्पीड में अगर एक नज़र भी पलक झपकते हैं ना, इतनी भी अगर इनकी नज़र वो हो जाए तो किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। तो इस मौत के कुएं में आप देख सकते हैं कि देखने वाले को किस प्रकार से डर लगने लग जाता है। और ये जो कार इसके अंदर चला रहे हैं इसकी ताकि भी खोल देते हैं चलते चलते, ऐसे टेढ़ी कार किस प्रकार से चल रही है देखना, ये ताकि कैसे खोल दी है इसने। और साथ में जो बाइक है मोटरसाइकिल है वो भी साथ में चल रही हैं, एक ही साथ कुएं के अंदर तीन तीन ट्रैफिक। अगर हम रोड पर चलाते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है इतनी खुली जगह में, लेकिन यहाँ पर इस कुएं के अंदर आप देख सकते हैं कैसे दो बाइक और एक गाड़ी। दर्शक जो देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा डर लगता है और कई तो देखते भी नहीं है, वो पीछे हट जाते हैं। शोर भी बहुत ज़्यादा है बाइकों का और अभी एक देखते हैं आप किस प्रकार एक साइड में बैठ करके हाथ तक छोड़ देते हैं, कैसे अपने आप को ये कंट्रोल करते हैं, ऐसे किस प्रकार से चला लेते हैं। गाड़ी को अभी नीचे रोक दिया गया है और दर्शक देख रहे हैं किस प्रकार डरावना सीन है, एक जिस प्रकार कहते हैं ना मौत का कुआं, जिसका नाम ही इस सर्कस का नाम जो मौत का कुआं रखा गया है, ये रियल में ही मौत का कुआं है, बहुत डरावना है। लेकिन इनके लिए ये बाएं हाथ का काम है। अगर आप भी आएंगे इस मेले के अंदर जींद के पुराना बस स्टैंड में ये मेला लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरा मेला बाजार इसके अंदर लगा हुआ है, किश्तियाँ हैं और अनेकों प्रकार के यहाँ पर झूले भी हैं, काफ़ी आइटमें हैं, आप देखेंगे मनोरंजन करेंगे, आप इस मेले का मनोरंजन करिए आइए। और दिवाली पर कुछ ऑफर भी यहाँ पर हैं आपको मिलेंगे और आकर के देखिए। तो अभी जो है ये मौत के कुएं का आपने सीन देखा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्या आपको डर नहीं लगता है ऐसे देखने में।